मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। योगी सरकार में आगरा के विधायक बेबी रानी मौर्य को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दिग्गज नेता बेबी रानी मौर्य ने 76,608 से ज्यादा वोटों से बसपा प्रत्याशी किरण प्रभा केसरी को हराया। भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा से लोग खासे नाराज थे, ऐसे में भाजपा ने चुनावी मैदान में बेबी रानी मौर्य को उतारा। चुनावी मैदान में बेबी काफी आत्मविश्वास से भरी थी। अब आपको बेबी रानी मौर्य के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं कि कैसे घरेलू महिला पॉलिटिक्स में आई। मूल रूप से आगरा की निवासी बेबी रानी मौर्य का मायका बेलनगंज में है। साल 1995 में बेबी रानी मौर्य का भाजपा के साथ राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इससे पहले वो घरेलू महिला थी। पार्टी में आते ही उन्हें मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया। आगरा की पहली महिला मेयर बनी। इसके बाद भी राजनीति में सक्रिय रही। 2007 में उन्हें भाजपा ने एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले और बाद वो लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहीं। साल 1997 में बेबी रानी मौर्य को भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष बनाया गया। साल 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था। 2018 में उन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया। जब तक पदभार ग्रहण करती तब तक राज्यपाल के लिए उनकी घोषणा हो गई। बेबी रानी मौर्य यूपी में भाजपा का बड़ा दलित चेहरा मानी जाती हैं। उनकी तुलना कई बार बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती से होती रही, हालांकि वो खुद को अपना अलग वजूद वाला बताती रही। बेबी रानी मौर्य ने पहली बार साल 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि उस बार उन्हें बसपा प्रत्याशी नारायण सिंह सुमन ने काफी कड़े अंतर से हराया था। साल 2013 से 15 तक राज्य स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई योगी की नई टीम में इनका नाम भी शामिल है। बेबी रानी मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की तरह जाटव समुदाय से आती हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने जाटव वोटर्स को ध्यान में रखकर ही बेबी रानी मौर्य को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा चुनाव लड़वाया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।